हेलो गाइस। तो आज था एक्सपायरी, एंड एक्सपायरी वाले दिन जो काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट होना चाहिए था एग्जैक्टली हो चुका था। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर की साइड में गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो 40 आपको 400 हो सकता है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर किसी ने यहाँ पे सही समय पे अगर 40 के अंदर एंट्री कर ली होगी, तो यहाँ से लेकर के जब तक मार्केट यहाँ पे गया ना, आराम से ये 40 आपका लगभग 80 से ऊपर, मतलब के लगभग 175 के आसपास तक आराम से चले गया होगा। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ने प्रॉपर तरीके से उसका एनालिसिस किया होगा, वहाँ पे एंट्री प्लान किया होगा, तो उसको वो बड़ा सा टारगेट वहाँ पे मिला होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक कौन सा जोन है, तो बेसिकली ये जो जोन है यहाँ पे एक ट्रैप जोन था। कौन सा जोन है ये? ये एक ट्रैप जोन था। मार्केट में लोगों को क्या कर दिया गया कि सी साइड में एंट्री दिलवा दिया गया है, उसके बाद में सडनली मार्केट डाउन साइड आ चुका है। ये वाला जो मोमेंटम आप अभी देख रहे हो ना, ये दिखने में आसान है, लेकिन एक्चुअल में जब आप इसे ट्रेड करने के लिए जाओगे तो ये मोमेंटम तो जा रहा है ऊपर, लेकिन इसका जो वैल्यू है ना ऑप्शन वाला, वो काफ़ी बढ़िया से डीके यहाँ पे ऑलरेडी कर चुका था। तो ये ऑप्शन का वैल्यू इंक्रीज प्लस डीके यहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। इसी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जितना फास्ट होना चाहिए उतना फास्ट अकॉर्डिंगली मार्केट का मोमेंटम वहाँ पे नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मार्केट जो है तेज़ी से डाउनफॉल का मोमेंटम करता गया। अब देख इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या थी जो हमें समझने वाली है, या फिर जो हम यहाँ पे समझना चाहते हैं या फिर समझ सकते हैं, तो वो देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कट बता दिया था कि हमारे पास में जो बड़े से टारगेट्स होने वाले वो कौन से लेवल से देखने मिल सकते हैं, और वही चीज़ के अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग वाले सेशन में क्या होता है कि मार्केट ओपन तो होता है लेकिन सडनली डाउनफॉल करके सडनली ऊपर के साइड में जाता है। अब जब ये सडनली ऊपर के साइड में जाता है तो उसी वक्त मार्केट क्या करता है, सडनली डाउनफॉल भी कर देता है। जितने लोग जो है ऊपर के साइड में बैठे थे वो सभी को मार्केट डाउन साइड में उनका स्टॉप लॉस खा लेता है, और जैसे मार्केट नीचे जाने लगता है तो मार्केट यहाँ से सडनली ऊपर भी चले जाता है। मतलब कि ये जो मोमेंटम है ये इतना ज़्यादा फास्ट है, लेकिन यहाँ पे ये जो मोमेंटम हुआ ना, इस मोमेंट के अंदर अपन लोगों ने का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो चुका था। अब ये कैसे हो चुका था, इसके पीछे का जो लॉजिक था वो कैसे हमने अप्लाई किया, तो वो भी हम समझने वाले हैं यहाँ पे, किस तरीके से वहाँ पे लॉजिक अप्लाई किया गया, कैसे हमारे AYP एंट्री हुई थी एंड किस तरीके से हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया था, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में ये सब अब एडवांस अपडेट हमने कर दिया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर। अगर आप सीखने के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वहाँ पे सीख सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए, ये है हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल। अब इसके अंदर भी हमने अपडेट कर दिया था, यहाँ पे लगभग 5:30 के आसपास हमने अपडेट दिया था। डेफिनेटली थोड़ा सा जब मार्केट ऊपर जा रहा था उसके बाद में अपडेट दिया था, थोड़ा सा लेट अपडेट दिया था यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट वहाँ से जो है नॉन स्टॉप बिल्कुल ऊपर की ओर गया, एंड मार्केट ने लगभग 750 से लेकर के 780 के बीच में कुछ हाई यहाँ पे लगा दिया है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया सा मूव हमने ऑलरेडी वहाँ पे कैप्चर कर लिया था। लेकिन अब ये सब जो चीज़ें हैं, लाइव मार्केट का एनालिसिस है, लाइव मार्केट का अपडेट है, ये आपको कहाँ पे मिलता है, तो फ्री टेलीग्राम चैनल में। उसके साथ में अगर आप ये सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो यूट्यूब वाला चैनल है उसे सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि उसके अंदर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने वहाँ पर मिलते रहे। अब उसके साथ साथ यहाँ पे एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो क्या है कि जो कल के लिए हमारा जो क्विक ट्रेड लेवल्स रहेगा वो कौन सी जगह पर रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 52, 310 का एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तो कहीं ना कहीं हमें ऊपर के साइड का टारगेट, मतलब कि 370 का जो टारगेट से, वो आसानी से वहाँ पे देखने मिल सकता है ऊपर की ओर में। एंड अगर हमें यहाँ पे डाउनफॉल का टारगेट चाहिए तो डाउनफॉल में हमें 270 के आसपास के टारगेट मिलेंगे, लेकिन वो कहाँ पर मिलेंगे, अगर हम यहाँ पे 315 के लेवल से रिजेक्शन लेते हैं तब जाकर के हमें वो वाले टारगेट देखने मिल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अब इस ट्रेंड लाइन के साथ में मार्केट यहाँ पे ब्रेकिंग करेगा या फिर यहाँ पे ब्रेकिंग करेगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए होने वाली है। तो ये बात को भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जिस साइड में ब्रेकिंग करेगा उस साइड का एंट्री हम प्लान वहाँ पे कहीं ना कहीं करने वाले हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कौन सी है, चलिए वो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप लॉन्ग साइड में जो ट्रेड लेना चाहते हैं वो कैसा हो सकता है, उसका लॉजिक कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, वो लॉजिक वो भी हम देखने वाले हैं। और उसी के साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ये जो मोमेंटम है ये मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। मार्केट लगभग इस तरीके से इस मोमेंट के अंदर चल रहा है, यहाँ पे जो है धीरे धीरे मार्केट ऊपर चला था, ऊपर के साइड का टच कर लिया है, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती है कि अगर मार्केट 240 के लेवल्स को ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो कहीं ना कहीं 040 का टारगेट हमें मिलेगा, एंड अगर ये ऊपर की साइड में निकलना चाहता है तो फिर सीधा सीधा 52,600 का एक बड़ा सा टारगेट हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे देखने मिल सकता है। तो पॉसिबली क्या है कि जो बैंक निफ्टी है उसके अंदर एक बड़ा सा मूव, यानी कि एक बिग मूव हमें कहीं ना कहीं वहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ये बिग मूव कभी भी आ सकता है, हमें ऑलरेडी रहना पड़ेगा उस मूव को कैप्चर करने के लिए। अगर हम उस मूव को कैप्चर करने के लिए रेडी रह सकते हैं तो फिर ये बड़ा सा टारगेट प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हम आसानी से वहाँ पे ले सकते हैं।
अब रहेगा निफ्टी की बात, तो निफ्टी का अगले वीडियो में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके साथ में जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो अगर आपको अनाउंसमेंट चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए अनाउंसमेंट, तो मैं आपको वो बता दूंगा। उसके साथ में यहाँ पे जो बड़े से लेवल्स, बड़े से टारगेट्स निकल के आएंगे, वो कौन से रहेंगे, वो मैं आपको यूट्यूब वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा। ठीक है।